पिंड बैबल कलां 12 अक्तूबर 2015 इत्थों 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बरगाड़ी, जिथे बेदबी कांड अंजाम दिता गया। उहदे रोस वजों 12, 13 ते 14 अक्तूबर इत्थे आ हाईवे ते, मैं कैमरामैन नूं कहूँगा आ हाईवे वाले पासे जरूर दिखाओ, इस जगह पर संगतां ने शांतमई रोस धरना दिता बेदबी कांड के दोषियों नूं लैके। पुलिस ने आके इस चीज़ का इतराज किया, पुलिस ने कहा भाई जिहड़े आवाजाई दे विच तुसी अड़का ना पाओ, ते संगतां ने शांतमई धरना नैशनल हाईवे तो चुक के इधर लाता बैबल कलां लिंक रोड ते। आ जाओ आपां लिंक रोड वाले पासे चलते हैं, आवाजाई बहाल हो गई ते संगतां इत्थे शांतमई धरने ते बैठियां नाम सिमरन कर रही ने। पुलिस ने गोली चला के 2 सिख नौजवानों मौत दे घाट उतारता, अनेकों जख्मी करता ते बहुत सारे सरकारी ते गैर सरकारी वाहन नुकसाने गए। उस वेले थाना बाजाखाना विखे 14 अक्तूबर 2015 थाना बाजाखाना विखे जिहड़ा परचा दर्ज किया गया, वो शांतमई धरने ते बैठिया संगतां ही दोषी ठहराउण लई आ वो जगह जिथे शांतमई धरने ते बैठिया सीगियां संगतां। आ जिहड़ा गेट है उन्हां 2 सिख नौजवानां किशन भगवान सिंह न्यामी वाला अते गुरजीत सिंह बिट्टू पिंड सरावां उन्हां दी याद च शहीदी गेट बनाया गया। उस वेले भावें बादल सरकार दी पुलिस ने थाना बाजाखाना विखे 14 अक्तूबर 2015 129 नंबर FIR दर्ज की शांतमई धरने ते बैठिया संगतां ते ही भाई इन्हां ने पहला गोली चलाई, हालांकि सारे नथे सी, किसी कोई असला नहीं सी, सोटी डांग तक भी नहीं सी, शांतमई धरने ते बैठिया। ये खुलासा कदों होया, ये प्रगटावा किया जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की जाँच रिपोर्ट ने, ते SIT जिहड़ी बनी है IG कुंवर विजय प्रताप सिंह की अगवाई वाली, उहदी जांच रिपोर्ट च खुलासे होए ने कि पुलिस ने ही भड़काट पैदा करने लई गोली चलाई, लाठीचार्ज किया, पुलिस ने ही सरकारी ते गैर सरकारी वाहन नुकसाने। अज उन्हां दोनां सिख नौजवानों की याद च जिहड़ा शहीदी समागम वो गुरद्वारा टिब्बी साहब दिस रहा है उत्थे मनाया जा रहा, आप उत्थे चलते हैं। उत्थे बहुत सारिया सिख संस्थावां दे आगू ते पंथक शख्सीतां पंथक जथेबंदियां दे नुमाइंदे पहुंचे ने। इत्थे बैबल दे विच संगतां ओ रोस प्रगट कर रही सन, ते उस समय दी जारम सरकार ने, क्योंकि मैं जानता हूं मैं खुद उस सरकार के उस पार्टी के विच होता सी, पर जो अखी वेख्या उसनू बर्दाश्त नहीं किया जा सकता सीगा, वो बहुत घिनौनी हक जो हरकत उस पंथक सरकार ने की। बनती सज़ा जी देनी चाहिए ता कि इदा दियां घटनावां होर ना वापरन, पर दोषियों सज़ा ना दिती जाण करके इहो जिहियां घटनावां रोज़ वापर रही, चाहे वह तरखाण माजरा होवे, जल्ला होवे, तूरां पिंड होवे, चाहे कोई होर होवे, रोज़ रोज़ बेअदबी दियां घटनावां तां वापरदियां क्योंकि जिहड़े दोषी ने उहनां नूं कोई सख्त सज़ा नहीं दिती जांदी। असीं अज भी इहदा पूर्ण इनसाफ चाहुंदे हां, कैप्टन सरकार पूर्ण इंसाफ देवे, अध अधूरा इंसाफ जिहड़ा पंथ नूं संगतां नूं प्रवान नहीं है, सरसे वाले नूं प्रोडक्शन वरंट ते लिआंदा जावे और जिन्हां दे गिरफ्तारी वरंट जारी होए उहनां नूं गिरफ्तार किया जावे। कुंवर विजय प्रताप वाली जिहड़ी सिट काम कर रही है बैबल ते कोटकपूरा कांड दे उत्ते, उहनूं जिहड़ा फ्री हैंड किया जावे तां कि उह जल्दी जिहड़ा इंसाफ है सारा कर सके। और इस तरह DIG रणवीर सिंह खट्टा वाली सिट जिहड़ी बेअदबी कांड दे उत्ते बैबल बरगाड़ी ते बुरज जवाहर सिंह वाला कांड दे उत्ते जिहड़ी उह जांच कर रही है, उहनां नूं भी बकायदा जिहड़ा हैगा वा तेजी लियाउण वास्ते सरकार नूं हुक्म देने चाहीदे आ तां कि इहदा इंसाफ पूरा हो सके। अज भी संगतां दे हिरदे उसे तरह बलूंदरे होए आ कि जिस तरीके दे नाल जिहड़े बेअदबी करन वाले अज भी उह खुल्लेआम घूम रहे आ, उन्होंने जो गिरफ्तार भी किया कोर्टा तो जमानत लैके फिर घर जा गए, तो सरकार ने उन्होंने बकायदा गनमैन दिते हुए आ, सिक्योरिटी गार्ड दिते हुए आ। सो ये बहुत ही दुखदाई जिहड़ा ते चिंता का विशा, इस करके कैप्टन सरकार नूं चाहीदा कि अध अधूरा इंसाफ नहीं, गोंगलुआं तो मिट्टी झाड़े ते गल नहीं बननी, सानू पूरा इंसाफ चाहीदा,
नहीं जे ये ना समझा जावे कि बरगाड़ी का इंसाफ मोर्चा खत्म हो गया तो हुण कोई मोर्चा नहीं, पंथ तैयार आ, संगतां तैयार आ, मोर्चा कदे भी लग सकता वा, कदों भी लग सकता, तो फिर सरकार नूं संभालना औखा होगा। असीं चाहुंदे आ कि सरकार ने जिहड़े वादे कीते सीगे मोर्चा डिक्टेटर जथेदार मंड दे नाल उहनां वादिआं नूं पूरा करे सरकार। ये सन जथेदार बलजीत सिंह दादूवाल हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान। उन्हां दा कहना है कि जेकर बरगाड़ी कांड दे दोषियों नूं सजावां ना मिलियां, गोलीकांड जिहड़े दो वापरे ने बैबल ते कोटपुरा विखे, उहदे दोषी पुलिस अधिकारियों नूं ते उन्हां नूं उस समय आर्डर देण वालियां नूं सजावां ना मिलियां, तां संगत अज भी मोर्चा लाउण लई मजबूर हो सकती है। कैप्टन सरकार ये ना समझे कि मोर्चा नहीं लग सकता, मोर्चे का समा ते स्थान किसी भी समय निश्चित किया जा सकता है। कोटकपुरा तो गुरिंदर सिंह।